वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो ये रिवीजन सीरीज आपके लिए जो भी प्रीवियस हमने थ्योरी पढ़ी है या फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, ठीक है, इस बायोग्राफी का रिवीजन यहाँ होगा। शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज सभी राइटर से रिलेटेड जो भी टीजीटी पीजीटी के बेस से इंपॉर्टेंट हैं उन सब का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगी। बायोग्राफी प्लस जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जितने भी क्रिटिसिज्म है उनसे रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज रिवीजन वन, जिसमें हम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट जो शेक्सपियर ने बोला था, वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं हम क्या हैं, बट नो नॉट, लेकिन यह नहीं जानते व्हाट वी मे बी, कि हम क्या हो सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी हमारा हार्डवर्क है, जो भी हम हार्डवर्क करते हैं उसके थ्रू हम क्या बन सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही मोटिवेशनल ये कोट उन्होंने दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथन और जेकोबियन एरा से जुड़े हुए राइटर हैं। एलिजाबेथन एरा जो जिसका टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक माना जाता है, एंड जेकोबियन एरा जो 1603 से 1625 तक माना जाता है। समटाइम्स इसको इंग्लिश रेनेसा या अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शेक्सपियर की फैमिली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्टैटफोर्ड अपॉन अवन में हुआ था। उनकी डेथ 1616 में हो गई थी, सेम डेट को 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ मानी जाती है, ठीक है। उनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन दोनों उनके पेरेंट्स थे, जिनके 8 चिल्ड्रन थे, ठीक है। जॉन एंड मैरी ने अपनी 2 डॉटर्स को, जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इन्फेंट्स थी, शिशु थी, उन्हें खो दिया था, इसीलिए विलियम एल्डेस्ट चाइल्ड उनके बन गए थे। नहीं तो जो विलियम शेक्सपियर हैं वो 3rd नंबर के चाइल्ड जॉन एंड मैरी आर्डन के थे, ओके। जॉन शेक्सपियर एक ग्लव मेकर यानी कि दस्ताने बनाने वाले का काम करते थे, ठीक है। उन्होंने जो स्ट्रैटफोर्ड था वहाँ पर वो एक इम्पॉर्टेंट नागरिक बन गए थे, सिविक पोजिशन उन्हें मिली थी, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और जो वहाँ पर मीन्स उन्होंने इसी पोजिशन के चलते जो अपने बच्चे हैं उनका एडमिशन ग्रामर स्कूल में करा दिया था, इंक्लूडिंग विलियम शेक्सपियर, ओके। विलियम शेक्सपियर अपनी फैमिली के साथ हैनले स्ट्रीट में रह रहे थे 18 साल तक, ठीक है। उन्होंने अपने जो 18 ईयर्स हैं वो हैनले स्ट्रीट में अपनी फैमिली के साथ अपने घर में बिताए। जॉन शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के स्पाउस के बारे में बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर जब वो 18 ईयर्स के थे तो उन्होंने एने हाथावे से शादी की थी, जो 26 ईयर्स ओल्ड थी और उनसे बड़ी थी, ठीक है। ये जो एने हाथावे उनकी स्पाउस थी ये उनसे बड़ी थी, और इससे उन्हें 2 बच्चे हुए थे, सुसाना, ठीक है, 3 बच्चे इनसे हुए थे, सुसाना और जुडिथ और एक और सुसाना हेमनेट एंड जुडिथ, इन्हें 3 जो चिल्ड्रन हैं वो हुए थे, ठीक है। ये एक रश्ड मैरिज थी, यानी कि जल्दी जल्दी में इन्होंने शादी की थी, क्योंकि जो एन ए थी वो पहले से प्रेग्नेंट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स शादी के 6 मंथ्स बाद ही उनको उनका बेबी हो गया था, ठीक है। तो उनके 3 चिल्ड्रन थे, सुसाना जो 6 मंथ्स आफ्टर ही हो गई थी वेडिंग के, उसके बाद हेमनेट एंड जुडिथ जो कि ट्विंस थे, तो इनको 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है। और हेमनेट वहाँ पर मर जाता है जो कि सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड था, ये उनकी बायोग्राफी में है, बेबी की इनसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, ठीक है। शेक्सपियर इन लंडन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि जो शेक्सपियर है, अब ये यहाँ पर जानना है कि लंदन से हुई थी उनकी शुरुआत करियर की, लेकिन वो वहाँ गए कब थे, तो हम जानते हैं कि जो शेक्सपियर के ट्विंस हैं उनका जो बैप्टिस्ड हुआ था, ठीक है, जो 3 दिन बाद होता है, वो 1585 में हुआ था, बट दैट बाय 1592 वो वहाँ पर लंदन में इस्टेब्लिश्ड हुए थे, ठीक है। तो ये एक मिस्ट्री है कि उनका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जो स्कॉलर्स हैं इसी टाइम पीरियड को वो द लॉस्ट ईयर्स मानते हैं। अब क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में कि जो शेक्सपियर के द लॉस्ट ईयर्स हैं वो कब माने जाते हैं, कब से कब तक का पीरियड माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1585 से 1592 का पीरियड उनके लॉस्ट ईयर्स माने जाते हैं, ओके। ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंडन, उनके लंदन के समय जो शेक्सपियर थे उनकी जो फर्स्ट प्रिंटेड वर्क थे वो पब्लिश हुए, उनमें 2 लॉन्ग पोयम थी, ये आप जानते हैं,
कौन सी लॉन्ग पोयम? वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस. वीनस एंड एडोनिस जो कि 1593 को आई थी, एंड रेप ऑफ ल्यूक्रिस जो कि 1594 में आई थी. ठीक है, वो फिर वहाँ पर जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन थे उसके फाउंडिंग मेंबर बन गए थे. ये एक कंपनी थी एक्टर्स की. ठीक है, और शेक्सपियर इस कंपनी में रेगुलर ड्रामेटिस्ट रहे थे, और उन्होंने वहाँ पर अपने जो प्लेस थे टू और प्लेस का वहाँ पर उन्होंने बनाए थे. ठीक है, और 20 ईयर्स तक वो वहाँ काम करते रहे थे. उन्होंने ही रिमेन विद द कंपनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर, और बाद का जो उनका करियर था वो कंपनी के साथ रहे. और इसी बीच वो वहाँ जेम्स फर्स्ट थे जो पैट्रोनेज माने जाते हैं. ठीक है, 1603 से थे जो उनको वहाँ पर मिले. कौन? जेम्स फर्स्ट. फिर इस कंपनी में जो शेक्सपियर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस अपने वर्क लिखे. क्या क्या थे वो? ट्रेजेडीज लाइक किंग लियर, मैकबेथ, है ना, और टेम्पेस्ट और विंटर टेल्स जैसे रोमांस भी उन्होंने वहाँ पर लिखे. आप जानते हो ये फेमस ट्रेजेडीज में से आ जाती हैं. ये 4 फेमस ट्रेजेडीज हैं उनकी, HOKM, हॉक, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. तो उस दौरान उन्होंने उनमें से 2 ट्रेजेडीज लिखी, मैकबेथ, किंग लियर, और ग्रेट रोमांसेस लाइक विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट लिखे. अब बात करते हैं शेक्सपियर के वर्क के बारे में. तो शेक्सपियर के वर्क में 38 प्लेज को इंक्लूड किया जा सकता है, 2 नैरेटिव पोएम्स और 154 सोनेट्स को वहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है. ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उनके कितने प्लेज थे, कितनी नैरेटिव पोएम थी. तो 2 नैरेटिव पोएम्स थी, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लिक्रिस, और 154 सोनेट्स उनके माने जाते हैं, एंड 38 प्लेज वहाँ पर उनके कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, जिनको कलेक्टिवली 1609 में पब्लिश कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है. और ये किसने पब्लिश कराया था? थॉमस थॉट ने इसको पब्लिश कराया था. ठीक है, ये नाम भी आप याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था. तो ये जो उनके वर्क हैं इनको थॉमस थॉट ने कलेक्टिवली पब्लिश कराया था 20 मई में. ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे. तो जो शेक्सपियर थे उनकी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर अदर एक्टर्स थे उन्होंने, उनकी वजह से जो शेक्सपियर हैं उनके प्लेस हमारे पास अभी भी है, यानी कि उन्होंने उनको पब्लिश करा दिया था उनकी डेथ के बाद, तो इसीलिए हमारे पास हैं. अब यहाँ पर शेक्सपियर के प्लेस की बात होती है, तो जो शेक्सपियर के प्लेस पब्लिश हुए थे वो फोलियो में पब्लिश हुए थे. फर्स्ट फोलियो आया था. अब यहाँ पर हम फोलियोज़ की बात करेंगे कि शेक्सपियर के जो वर्क थे वो कितने फोलियोज़ में पब्लिश हुए. तो फोलियो का मतलब क्या है? फोलियो रेफर्स टू द साइज ऑफ द पेपर यूज्ड, मींस जो पेपर का साइज वहाँ पर यूज़ किया गया है उसको फोलियो से वहाँ हम संदर्भित कर सकते हैं, जिसमें 36 उनके प्ले थे, कोई भी पोइट्री उसमें नहीं थी. ठीक है, शेक्सपियर की डेथ स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन 23 अप्रैल 1616 में हो गई थी, जब वो सिर्फ 52 ईयर्स ओल्ड थे, और उन्हें वहीं पर पेरिश चर्च होली ट्रिनिटी में दफना दिया गया था. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं शेक्सपियर की बाय जॉनर. उससे पहले बात करते हैं कि जो शेक्सपियर के प्लेस थे फर्स्ट फोलियो में जो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो वो 1623 में आया था, और ये कब आया था? जब शेक्सपियर की डेथ हो चुकी थी, 7 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर. ये 36 प्लेस का कलेक्शन था. ठीक है, जो उनके 2 फ्रेंड्स लाए थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल. प्रीवियस ईयर 2021 का जो TGT एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है. मे बी इस बार ये पूछ लिया जाए कि इस कलेक्शन का, जो ये प्लेस का कलेक्शन आया था, इसका फुल टाइटल क्या था. तो इसका फुल टाइटल हो जाता है मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रू ओरिजिनल कॉपीज. ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इसका टाइटल था जो इनके 2 फेलो फ्रेंड्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल लेकर आए थे. इसको आप ध्यान रखेंगे. और ये जो ग्रुप्स था इनका, द ग्रुप्स बिलो आर द क्लासिफिकेशन शेक्सपियर प्लेज अकॉर्डिंग टू द. अब यहाँ पर फोलियोज की बात करते हैं कि किस किस फोलियोज में शेक्सपियर के प्लेज पब्लिश हुए थे बाय दियर कलीग्स. तो अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फोलियो एक कलेक्शन जो 36 प्लेज का था वो 1623 में पब्लिश हुआ. फर्स्ट फोलियो कब आया था शेक्सपियर का? 1623 में. सेकेंड फोलियो इशू कराया गया था 1632 में, जिसका एन एपिटाफ ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन, जो मिल्टन ने लिखा था उससे, जो मिल्टन ने शेक्सपियर पर वर्क नहीं लिखा था, ऑन शेक्सपियर,
तो वो उससे उसमें वो कंटेनिंग था सेकंड फोलियो में, ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर ये पूछा गया क्वेश्चन वहां पर कि सेकंड फोलियो में किस राइटर का जो शेक्सपियर के ऊपर वर्क था वो था, वो कंटेनिंग था या उसमें मेंशन था, तो वो हो जाते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम थी ऑन शेक्सपियर वो सेकंड फोलियो में जब इश्यू हुआ था शेक्सपियर का उसमें लिखा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट फोलियो कब आया शेक्सपियर का, 1623 में, सेकंड फोलियो 1632 में, जो मिल्टन की पोयम ऑन शेक्सपियर से शुरू होता है। थर्ड फोलियो इशू हुआ था 1663 में, ठीक है, जिसका सेकंड इम्प्रेशन 1664 में भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और 1664 में पेरिक्लीज और जो सिक्स अलग एप्रोक्रिफल प्लेस थे वो भी उसमें इंक्लूड किए गए थे 1664 वाले फोलियो में। ठीक है, फोर्थ जो और लास्ट फोलियो उनका पब्लिश हुआ था 1685 में, पेरिकल्स को छोड़कर वहाँ पर जो टेक्सचुअल इंटेग्रिटी थी वो सब हमें दिखाई देती है। ओके, तो 17वीं सेंचुरी के जो प्ले राइट थे बेन जॉनसन, ये उनके फोलियोज हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। 17वीं सेंचुरी के जो प्ले राइट थे बेन जॉनसन, उन्होंने उन पर डेडिकेटरी प्रीफेस लिखा है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर पर, जब उनका फर्स्ट फोलियो आया था, कि आपने अच्छे से रीड किया है, कब आया था उनका फर्स्ट फोलियो, 1623 में आया था। ठीक है, तो बेन जॉनसन ने उनको एड्रेस करते हुए ये बातें लिखी हैं, इनको आप ध्यान से रीड करेंगे। क्या लिखा है कि दाउ आर्ट अ मॉन्यूमेंट विदाउट अ टॉम एंड आर्ट अलाइव स्टिल वाइल दाई बुक डॉट लाइव। मे बी इस बार ये वाली लाइन्स पूछ ली जाए कि ये उन्होंने किसे एड्रेस की है, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को, या फिर ये भी पूछ लिया जाए शेक्सपियर को एड्रेस करते हुए ये लाइन कौन कहता है, तो बेन जॉनसन, जो कि 17वीं सेंचुरी के प्लेराइट माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देते हुए फर्स्ट फोलियो में 1623 में जो आया था ये लाइन लिखी थी। अब आगे जो बेन जॉनसन है वो एड्रेस करते हैं स्वीट स्वान ऑफ अवॉन, ये किसे बोल रहे हैं, वो शेक्सपियर को, और दाउ स्टार ऑफ पॉइट्स भी वो बोलते हैं, और आगे वो कहते हैं नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम 400 years आफ्टर शेक्सपियर डेथ हिज वर्ड्स स्टिल हैव द पावर टू थ्रिल टू मूव टू अपलिफ्ट द सोल। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, मे बी इस बार ये पूछ लिया जाए, या फिर इसे ना देकर ये पुटअप वहाँ पर कर लिया जाए कि दो स्टार ऑफ पॉयट्स ये किसने उन्हें कहकर बुलाया है, तो इसका राइट आंसर होगा बेन जॉनसन, जो कि 17वीं सेंचुरी के पॉयट वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एन एडिशनल ग्रुप आता है प्रॉब्लम प्लेस का, तो इसमें जो शेक्सपियर के प्लेस इंक्लूड किए गए हैं उनमें आते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मीजा फॉर मीजा, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, ये सभी शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेस माने जाते हैं। उनके जेनर की बात करते हैं, जेनर में कॉमेडीज, ट्रेजेडीज और हिस्ट्री प्ले आते हैं, तो यहाँ पर एक लुक देखिए आप, कॉमेडीज में कौन कौन से प्ले हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स जिसको शॉर्टेस्ट प्लेज भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है, लव्स लेबर लोस्ट, मीजर फॉर मीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मेरी वाइफ्स ऑफ वेंस्टर, मिड समर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द विंटर्स टेल, जिसमें ये जो इनका द टेम्पेस्ट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 1611 में आया था और ये उनका स्वान सॉन्ग भी माना जाता है। ठीक है, यानी कि लास्ट प्ले ये उनका कंसिडर किया जाता है, तो द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग भी कंसिडर किया जाता है, और ये इसे हम उनके किस जॉनर में रखते हैं, कॉमेडी में रखते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है यहाँ पर ट्रेजेडीज का है, जिसमें फोर फेमस ट्रेजेडीज आप सब जानते हैं HOKM से फेमस हैं, बाकी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, सिम्बलीन, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टाइमन ऑफ एथेंस, टाइट्रस एंड्रोनिकस, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, एंड हिस्ट्रीज जॉनर जो आता है उसमें हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, यानी कि हेनरी फोर्थ जो थे उसके टू पार्ट यहाँ पर आते हैं, फिर हेनरी फिफ्थ आते हैं, फिर हेनरी सिक्स के थ्री पार्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फिर हेनरी एट्थ हैं, किंग जॉन और रिचर्ड सेकंड और थर्ड टू पार्ट यहाँ पर हिस्ट्री प्लेज में हम कंसिडर करते हैं। प्लेस जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुए थे उनके नाम है पेरिक्लेस, द टू नोबल किंग्समैन। ठीक है, ये दोनों प्लेस फर्स्ट फोलियो में इनको इंक्लूड नहीं किया गया था। पेरिक्लेस जो कि प्रिंस ऑफ टायर से भी फेमस है,
यानी कि इसका अदर टाइटल क्या है, प्रिंस ऑफ टायर है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों प्लेस फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किए गए थे। एक और चीज़, जो शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि शेक्सपियर ने अपने ओरिजिनल प्लॉट किस किस प्ले में यूज़ किए थे। तो उन प्लेस के नाम हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हो, लव्स, लेबर्स, लॉस्ट, इसमें भी शेक्सपियर ने अपने खुद के ओरिजिनल प्लॉट यूज़ किए हैं। सेकेंड आता है अ मिड समर नाइट ड्रीम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। थर्ड है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, शेक्सपियर ने अपने ओरिजिनल प्लॉट इनमें यूज़ किए हैं। और द टेम्पेस्ट, ठीक है, ये फोर प्ले ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहीं से भी प्लॉट नहीं लिए, उनके ओरिजिनल प्लॉट्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं। मे बी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि आपको चूज़ करना है ओरिजिनल प्लॉट किस प्ले में यूज़ किए, तो इन फोर में से ही होंगे, है ना। तो राइट आंसर आप चूज़ कर लोगे अगर आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पर कुछ क्रिटिसाइज्ड किया है शेक्सपियर को, तो उनसे रिलेटेड कोट्स हैं उनको रीड कर लेते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन क्या कहते हैं शेक्सपियर के बारे में, कि ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, नोर सिक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट इन सम ऑफ शेक्सपियर विट। यानी कि राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि उन्होंने डेड बॉडीज पर ब्रीथ ली है, सांस ली है और उन्हें जीवित कर दिया गया, ना ही सेंचुरी बल्कि ऑर्बिट, जो शेक्सपियर की जो बुद्धि है उसे कोई भी युगों युगों तक छू सकता है, कोई भी नहीं छू सकता, है ना। इस तरह की बातें राल्फ वाल्डो एमर्सन ने बोली है। मे भी एग्जाम में ये इस तरह की कोट दे दी जाए तो आपको, जैसे ऑर्बिट है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना कि हम उनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ऑर्बिट इस तरह के वर्ड किसने यूज़ किए कि सेंचुरीज उन्हें युगों युगों तक ना छू सके शेक्सपियर्स विट को, है ना। तो ये किसने बोला है, राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। जैसे जॉन रस्किन ने भी बोला है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, है ना। तो इस तरह की कोट वो हमें याद रह जाती हैं। ऐसे ही टी एस एलियट हैं, वो क्या बोलते हैं, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट, कि हम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के इतनी कम नॉलेज को इतना बड़ा उन्होंने कैसे बना दिया, इतना बड़ा उन्होंने वहां पर उसको, इतनी कम नॉलेज को इतना बड़ा वर्क हमने उन्हें कैसे बना दिया, या इतना ग्रेट उनको कैसे बना दिया। तो ये इस तरह के वर्ड कौन बोलते हैं, टी एस एलियट, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड करते थे शेक्सपियर को, और शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स भी यूज़ किए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक अपस्टार्ट, क्रो, है ना, इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं, जोहनस, फैक्टोटम, तो इस तरह के वर्ड उन्होंने शेक्सपियर के लिए यूज़ किए हैं। तो इन वर्ड से भी हम पहचान सकते हैं कि टी एस एलियट उन्हें ऐसा मानते थे कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत ग्रेट वर्क किया, इधर से चुरा के उधर से चुरा के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टी एस एलियट ने उनके लिए बोली है। ऑर्सन वेल्स ने उनके लिए बोला है, नाउ वी सेट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज द कोटेशंस, कि हम उनके जो उद्धरण हैं या उनकी जो कोटेशन है उनको पहचानने के लिए शेक्सपियर का यूज़ करते हैं या शेक्सपियर के थ्रू बैठते हैं, ठीक है। तो कोटेशंस हम शेक्सपियर के थ्रू बैठते हैं उनको पहचानने के लिए, तो ये किसने बोला है उनके बारे में, ऑर्सन वेल्स ने, ये बहुत अच्छी कोट है। कॉल पॉटर, कॉल पॉटर बोलते हैं ब्रश अप योर शेक्सपियर, अपना शेक्सपियर को ब्रश अप करो, ठीक है। तो ये छोटी सी कोट, मे बी ये पूछ ली जाए, कॉल पॉटर उनके लिए बोलते हैं। डी एच लॉरेंस ने बोला है कि जब भी मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ आई एम स्ट्रक विद वंडर, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे तुच्छ लोगों को इतनी प्यारी भाषा में विचार करना चाहिए या गरजना चाहिए। तो थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। सच ट्रिवियल पीपल, है ना, ट्रिवियल यानी कि तुच्छ लोग, शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, तो इस तरह के वर्ड्स उनके लिए लॉरेंस ने यूज़ किया, और ये तो फेमस है, ये तो आप सब जानते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने बोला है अवर माइरिट माइंडेड शेक्सपियर, है ना, ये तो उन्होंने बोला है शेक्सपियर को कॉलरिज ने। नेक्स्ट है इसमें बेन जॉनसन, बेन जॉनसन कहते हैं
स्वीट स्वान ऑफ अवॉन, इनके बारे में इनकी कॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो बेन जॉनसन ने स्वीट स्वान ऑफ अवॉन बोला है और इस तरह के वर्ड्स उनकी प्रेज में यूज़ किए, उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए बोले हैं, माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉस दी बाय, कि जो मेरे शेक्सपियर हैं उठो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा यहाँ, चौसर और स्पेंसर या बिट बियोमाउंट लाई या लिटिल फर्दर टू मेक दिया रूम, कि थोड़ा आगे तुम्हारे लिए एक कमरा बनाने के लिए, अ क्विबल इज टू शेक्सपियर व्हाट ल्यूमिनस वेपर्स, और वो यहाँ पर आगे कहते हैं कि शेक्सपियर के लिए एक ये भी है कि जो वहाँ पर ट्रैवलर हैं यानी कि जो यात्री हैं उनके लिए एक ल्यूमिनस वेपर्स वहाँ पर दिखाई देती हैं और वो इन एडवेंचर्स को फॉलो करते हुए एक साहसिक काम करते हैं और निश्चित रूप से वो वहाँ उन्हें अपने रास्ते से हटा देगा और उन्हें एनगल्फ हिम इन द मायर, उस कीचड़ में फंसा देगा। तो इस तरह के वर्ड्स कौन, बेन जॉनसन उनकी प्रेज करते हुए लिखते हैं। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल फॉर ऑल टाइम, ये फेमस है एग्जामिनर का, वो बार बार इस कोट को देके पूछते हैं, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, तो ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए यूज़ किया है। एंड दाउ हैड स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, है ना, और वो शेक्सपियर के लिए और क्या यूज़ करते हैं, मीन्स उन्हें पूरी नॉलेज नहीं थी, स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, वो कम कम ही लैंग्वेज के बारे में जानते थे, ऐसा कहते हुए वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। कौन, बेन जॉनसन, किसको, शेक्सपियर को। सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा जो कि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म माना जाता है। सैमुअल जॉनसन का, ये एक इंग्लिश राइटर थे और उन्होंने इसमें यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन का यूज़ किया है। रॉबर्ट ग्रेव्स शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं कि शेक्सपियर सैट प्रिटी, सॉरी, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड, कि ये एक रिमार्केबल बात है कि वो रियल में बहुत अच्छे थे उन सभी लोगों के बावजूद जो ये सिर्फ दिखावा करते हैं, हु से ही इज वेरी गुड, कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो शेक्सपियर थे वो रियल में बहुत अच्छे थे, ऐसा कौन कहते हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स कहते हैं शेक्सपियर के बारे में। ब्रैंडन बेन बोलते हैं कि शेक्सपियर सेड प्रिटी वेल एवरीथिंग एंड वोट ही लेफ्ट आउट, कि शेक्सपियर ने सब कुछ अच्छी तरह से बोला कि जो कुछ भी उन्होंने छोड़ दिया। जेम्स जॉयस विद द जज फ्रॉम माई सेल्फ पुट इन, कि जेम्स जॉयस ने मेरे साथ एक ही जज रखा था, तो इस तरह की बात उनके लिए ब्रेंडन बेन बोलते हैं। थॉमस कार्लाइल ने क्रिटिसाइज करते हुए शेक्सपियर को बोला है, इफ आई से दैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटलेक्ट्स, की अगर मैं कहूँ कि शेक्सपियर सबसे महान इंटलेक्ट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, तो मैं उनके बारे में मीन सब कुछ कह दिया, इसका ये मतलब है कि मैंने उनके बारे में सब कुछ बोल दिया। बट देर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटलेक्ट दैन वी हैव येट सीन, लेकिन शेक्सपियर की बुद्धि उससे कहीं ज़्यादा है जो अब तक हमने देखी है। इट इज़ वॉट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटलेक्ट, और मैं इसे अनकॉन्शियस बुद्धि कहता हूँ। देर इज़ मोर वर्च्यू इन इट दैन ही हिमसेल्फ इज़ अवेयर ऑफ, और इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसको शेक्सपियर अपने में अच्छे से जानते थे। तो इस तरह के वर्ड कौन बोलता है, थॉमस कार्लाइल उनके लिए बोलते हैं। विलियम हैजलेट उनके लिए बोलते हैं, इफ़ यू विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, अगर हम जानते हैं मानव प्रतिभा की शक्ति को तो हमें, वी शुड रीड शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, और अगर हम चाहते हैं टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, तो अगर हम उनकी इनसिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग देखना चाहते हैं, वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, तो हमें उनके कमेंटेटर्स को पढ़ना चाहिए, मीन्स जो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर उन्हें पढ़ लो, अगर हमें इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग देखनी है, और अगर हम उनकी क्वालिटी को देख, अगर हम ह्यूमन बींग की क्वालिटी को देखना चाहते हैं, तो हमें शेक्सपियर पढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही, ये किसने बोला है उनके लिए, विलियम हैजलेट ने बोला है। जी बी शो बोलते हैं, जी बी शो यहाँ पर हैमलेट का जिक्र करते हुए बोलते हैं, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर, कि हैमलेट का जो एक्सपीरियंस है वो किसी प्लम्बर के साथ नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी बोलते हैं, दी देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम, कि वहाँ शेक्सपियर जिसके माथे पर चढ़ते हैं, द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ताज, आई सबलाइम, शानदार आंखें, विथ चीयर्स एंड लाफ्टर ऑफ फॉर ऑल टाइम, कि जो हमेशा आंसू और हंसी के साथ आगे बढ़ती रही, इस तरह की बातें एलिजाबेथ बर्नेट ब्राउनिंग ने बोली है। जॉन ड्राइडन तो उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव सोल, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल के नाम से पुकारते हैं, ये आपको याद रखने होंगे, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस पॉएट ने, किस नॉवलिस्ट ने, किस प्ले राइट ने उनके लिए क्या बोला होगा। तो जॉन ड्राइडन कहते हैं, ही वॉज द मैन हु ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पॉएट्स, कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास आधुनिक और जो एंशियंट पॉएट थे उनसे भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सोल थी,
व्यापक सॉल उनके पास थी, बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड भी, लेकिन जो शेक्सपियर का जादू है उसकी हम नकल नहीं कर सकते। विद इन दैट सर्कल नन डर्स्ट वॉक बट ही, और उस घेरे में कोई भी घुसने का साहस नहीं कर सकता। विद इन दैट सर्कल नॉन डस्ट वॉक है बट ही वॉज नेचुरली लर्न्ड, वो नेचुरली सीखते थे। ही नीडिड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक, उन्हें किताबों के चश्मे की जरूरत ही नहीं थी टू रीड नेचर, नेचर को पढ़ने के लिए। ही लुक्ड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर, उन्होंने उसको अपने अंदर ढूंढा और वहीं पर पाया। बहुत अच्छी बात जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर के बारे में बोली है, और इसी तरह से जॉन मिल्टन भी बोलते हैं, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये वाली लाइन तो पूछी भी जा चुकी है प्रीवियस एग्जाम में, फैंसी चाइल्ड और स्वीटेस्ट शेक्सपियर, ये कौन बोलता है? जॉन मिल्टन बोलते हैं उनके लिए कि प्यारे शेक्सपियर फैंसी बच्चे, वॉबल हिज नेटिव वुड नॉट्स वाइल्ड, कि अपने जो लकड़ी नोटों को जंगली बना दे, इस तरह की बातें बोली हैं। और वट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्स बोन, की उनकी हड्डियों को सम्मान की क्या आवश्यकता है? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, की ये तो परिश्रम होगा कि पत्थरों के ढेर में एक युग का श्रम होगा, या फिर इस तरह की बात बोलते हैं कि दैट इज हेलोड रिलिक्स शुड बी हिड, यानी कि उनके जो पवित्र अवशेष हैं वो छिपा दिए गए हैं अंडर अ स्टार वाइज पॉइंटिंग पिरामिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। ये किसने बोला था? जॉन मिल्टन ने, किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में, कि स्टार वाई पॉइंटिंग पिरामिड के नीचे जो उनके पवित्र अवशेष हैं वो छिपा दिए जाएं, और वो उन्हें कहते हैं डियर सन और मेमोरी, कि मेमोरी के प्रिय पुत्र, ग्रेट हियर और फेम, उत्तराधिकारी, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, वट नीडस्ट दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, कि तुम्हें ऐसी कमजोर नेम की, ऐसी कमजोर गवाही की क्या जरूरत? एंड सो स्पेक्लर्ट इन सच पॉम डॉस्ट लाई, और इस तरह के धूमधाम में डूबा हुआ दोस्त झूठ बोलता है, दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई, कि ऐसी कब्र के लिए जो किंग है वो मरना चाहेंगे, जैसे शेक्सपियर को मिली है। तो यहाँ पर शेक्सपियर की प्रेज करते हुए वो बोलते हैं। इसी तरह से थॉमस मोर उनके लिए क्या बोलते हैं? थॉमस मोर कहते हैं कि एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट, कि जंगली शेक्सपियर प्रकृति की लाइट का अनुसरण करते हुए, इज वर्थ होल प्लैनेट्स फिल्ड विद स्टेगराइट्स, कि पूरा का पूरा प्लैनेट्स स्टेगराइट से यहाँ पर फिल है, इस तरह की बात थॉमस मोर ने उनके लिए बोली है। लॉरेंस ऑलिवर क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इनकार्नेशन ऑफ द आई ऑफ गॉड, की ईश्वर की दृष्टि में अवतार के सबसे निकट, की वो कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वरीय अवतार हुआ तो वो शेक्सपियर के रूप में होगा। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। रिविजन 2 जल्दी ही आपके लिए लेकर आते हैं, और हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी मॉडर्न एरा की भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के रिगार्डिंग अगर कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको टाइम से मिल जाए, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।